हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर अंकिता शैली। आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू ड्रॉ एन एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर एंड द टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो आज के मेरे वीडियो में मैं आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल्स ड्रॉ करना सिखाऊंगी और साथ में उनके टाइप्स भी बताऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं बता रही हूँ हाउ टू ड्रॉ एन एंगल, ठीक है। आज हम लोग पहले देखेंगे कि हम किसी भी एंगल को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले वी हैव टू मेक अ स्ट्रेट लाइन ऑफ एनी वैल्यू। आपको एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, आप 5 सेंटीमीटर, 8, 10, कोई भी मेजरमेंट लेके, देखिए एक स्केल ले लिया हमने और हम किसी भी मेजरमेंट की वैल्यू बना सकते हैं। तो मैं ये थोड़ी नीचे बनाऊंगी जिससे कि यहाँ पे हमें एंगल भी इसी पे परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो हमने 0 से स्टार्ट करते हैं और हमने सपोज 8 सेंटीमीटर की लाइन बना ली, ये देखिए, ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर की मेरी लाइन हो गई। आप लोग जानते हैं कि जो एंगल्स होते हैं वो रे होती हैं। दो रे जब एक कॉमन पॉइंट पे मिलती हैं तो वो होता है आपका एंगल। तो ये मेरी 8 सेंटीमीटर की लाइन है, इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, आप इसको रे के जैसा भी फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग को ये देखिए इस तरीके से एक प्रोटेक्टर लेना है, इसकी हेल्प से हम लोग एंगल बनाते हैं, ठीक है। कंपस और प्रोटेक्टर दोनों से एंगल बना सकते हैं, पर आज मैं आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल बनाना सिखा रही हूँ। तो ये मान लीजिए हमने प्रोटेक्ट, देखिए सेकंड स्टेप है हमारा यूजिंग अ प्रोटेक्टर मार्क वैल्यू ऑफ एंगल। पहले हम एक प्रोटेक्टर लेंगे, उसकी हेल्प से हम एंगल की वैल्यू को मार्क करेंगे। तो ये देखिए जो हमारा ये प्रोटेक्टर है, अगर हम इधर देखिए ये जो हमारी रे है ना, अगर हम इस साइड दैट इज लेफ्ट हैंड साइड की तरफ एंगल मार्क करते हैं तो हम नीचे वाली वैल्यूज को लेते हैं। ये देखिए हमारा प्रोटेक्टर उसमें इसमें नीचे की वैल्यूज होती हैं और ऊपर, दोनों तरफ वैल्यूज होती हैं। पर आप ये देखिए यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो होता है नीचे वाले में, ठीक है, ऊपर वाले में ज्यादा 180 है। तो नीचे अगर आप इधर बनाएंगे लेफ्ट में तो नीचे वाली वैल्यू लेंगे। सपोज मुझे 60 डिग्री का एंगल बनाना है तो 60 पे मैं यहाँ पे पॉइंट लगा दूं, ये देखिए, ठीक है। तो ये 60 डिग्री की हमने क्या करा, पॉइंट बनाया और फिर हमने इस पॉइंट को इस तरीके से ज्वाइन कर लिया। तो ये हमारा एंगल बन गया 60 डिग्री का, जो कि कौन सा एंगल होगा अक्यूटी है, मैं आपको भी आगे बताऊंगी। अगर सपोज इस तरीके से, देखिए आपको मैं एक और बताती हूँ, एक और स्ट्रेट लाइन बनाई, ठीक है। मान लीजिए ये है पी और ये है क्यू, आप किसी भी मेजरमेंट की लाइन बना लीजिए। ये हमारी है 8 सेंटीमीटर की, फिर से 8 की बन गई। और अब अगर हम इधर की साइड देखिए, इस साइड राइट हैंड साइड एंगल बनाएंगे तो हम इस तरीके से, ये देखिए जो प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट होता है ना, ये जो पॉइंट है बिल्कुल सेंटर पॉइंट, इसको हम इस पॉइंट पे रखते हैं, ठीक है, इस तरीके से दिख रहा होगा आप लोगों। अब हम ऊपर वाली वैल्यूज लेंगे क्योंकि ऊपर वाली वैल्यूज का जीरो यहां से स्टार्ट है, तो इसीलिए हम इधर की साइड राइट हैंड साइड में ऊपर वाली वैल्यूज लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में नीचे। तो अगर हमें 60 डिग्री का बनाना है तो हम ऐसे पॉइंट लगा देंगे और इसको हम स्केल से ज्वाइन कर देंगे और ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री का एंगल। तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से हम लोग एंगल्स फ्रेम करते हैं। सबसे पहले वी हैव टू मेक अ स्ट्रेट लाइन ऑफ एनी वैल्यू, फिर यूजिंग अ प्रोटेक्टर। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड बनाएंगे तो इधर की साइड एंगल बनता है लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है, तो हम नीचे वाली वैल्यूज ले लेते हैं। अगर आप इधर की साइड बनाएंगे तो हम ऊपर वाली, जो हमारा ये प्रोटेक्टर है, इस प्रोटेक्टर में हम ऊपर वाली वैल्यूज से मेजर करते हैं और इस तरीके से हम एंगल्स फॉर्म करते हैं। आप 60, 30, 90 किसी भी वैल्यू, किसी भी मेजरमेंट का एंगल फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में बता रही हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ अक्यूट एंगल, ठीक है। ये सारे जो एंगल्स हैं बिल्कुल बेसिक टाइप ऑफ एंगल्स होते हैं जो कि बिल्कुल रिक्वायर्ड है। तो अक्यूट एंगल जो होता है, हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। तो ये एंगल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू, जिनका जो मेजरमेंट है 0 डिग्री से ज्यादा होगा लेकिन 90 डिग्री से कम होगा। तो जैसे कि एक ये वाला एंगल मैंने देखा बना रखा है ए बी सी 60 डिग्री का है, ऐसे ये वाला एंगल अगर हमारा 30 डिग्री का हो या 45 डिग्री का हो तो ये एक्यूट एंगल की कैटेगरी में आ जाएगा। बस 90 डिग्री से वैल्यू अगर कम होती है तो दिस आर एक्यूट एंगल्स। नाउ वी कम टू राइट एंगल, हूज मेजर इज 90 डिग्री। अगर कोई एंगल की वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल है तो वो राइट एंगल होता है, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। 90 डिग्री बिल्कुल सीधी लाइन होती है,
जैसे कि कोई पोल्स खड़े हैं या ट्रीज बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होते हैं, जो वो सारे राइट एंगल पे होते हैं. नेक्स्ट ऑब्ट्यूज एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री. इस टाइप के एंगल्स, इनकी वैल्यू जो है 90 से ज़्यादा होगी लेकिन 180 से कम होगी. तो जैसे कि हो गए 120 या 135 डिग्री के हों, 165, ये सारे एंगल्स की वैल्यू लेस देन 180 डिग्री है. सो दीज एंगल्स आर ऑब्ट्यूज एंगल्स. नेक्स्ट इज स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है. तो इसमें आपका ये जो स्ट्रेट एंगल होता है इसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है, इसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल. और एक आता है रिफ्लेक्स, जो आपका 180 से ज़्यादा हो लेकिन 360 से कम हो, ठीक है. ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360. तो इस टाइप के एंगल्स को हम रिफ्लेक्स एंगल्स कहते हैं. तो ये सारे एंगल्स जो हैं ये जनरली हर जगह पूछे जाते हैं. अक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल और रिफ्लेक्स. तो ये पांच आपके बेसिक एंगल्स होते हैं जो कि टाइप्स ऑफ एंगल्स. मेरा वीडियो इंटरेस्टिंग था ना? ये टॉपिक जो आज आप लोगों ने देखा है इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल. सो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल टॉपिक्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू इंजीनियर अंकिता शैली और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा. चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग. बाय बाय.